Hey guys, welcome back. मेरा नाम है अमन. So guys, हमने ना खुशबू का बर्थडे जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ना सेलिब्रेट जो है वो कर दिया है और इसका बर्थडे सेलिब्रेट करके ना हमको है ना बहुत ही अच्छा लगा है. हमने सोचा था कि है ना इस साल के अंत में ना हम है ना कहीं है ना प्लान करेंगे ट्रिप, मतलब घूमने जाएंगे और फाइनली पापा ने ना हाँ बोल दिया है और हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर घूमने के लिए. खुशबू कैसा लग रहा है फाइनली हम लोग जा रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है पर पहले के जैसा है ना एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि हम पहले भी घूम के आ चुके हैं जैसलमेर. अरे यार जैसलमेर ऐसी जगह है ना जहाँ पे है ना बार बार जाने का मन करता है क्योंकि वहाँ का है ना डेजर्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. पर एक बात की कमी है. क्या? मुझे नए कपड़े चाहिए. मेरे पास कपड़े नहीं है. इसको तो अभी बर्थडे में कपड़े मिले ना तो फिर खरीदने की क्या जरूरत है. हाँ तो आपको भी मिल जाएंगे अप्रैल में. ज्यादा बोलो मत, अपना मुंह बंद करके बैठो. एक काम करो, तुम लोग है ना मॉल जाकर है ना फटाफट से एक घंटे के अंदर है ना कपड़े लेकर आओ और ताकि है ना हम लोग है ना फटाफट से पैकिंग जो है वो करना स्टार्ट कर दे क्योंकि पैकिंग में भी तुम लोग को है ना बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और हमको है ना रात को ही निकलना है. और आपको तो कपड़े नीचे होंगे. नहीं नहीं मेरे लिए भी लेकर आ जाना. नहीं, 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 आपको क्यों लेना है? हाँ. अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था बहनों, मैं तो मजाक कर रहा था. मेरे लिए भी प्लीज लेकर आ जाना एक दो पैर. आपको लेना है ना इसलिए हमें बोला कि जाके ले आओ वरना. अरे नहीं बोलते पायल, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ तुम लोग अकेले जाकर लेकर आओ, तब तक है ना मैं वीडियो जो है एडिटिंग करना बाकी है ना वो कर लेता हूँ. कितना सारा मसाला डाल दिया, रहने दो. अरे अच्छा लगेगा चटका पटका. अरे आपका चटका पटका मुझे नहीं अच्छा लगता. वही तो मम्मी है ना अपने खाने में भी है ना एक्स्ट्रा नमक डाल के खाती है. हम चारों जन तो बहुत ही ज्यादा है ना एक्साइटेड है लेकिन मेरे पापा को देखो, वो है ना सबसे ज्यादा एक्साइटेड है. देखो कहीं भी जाना होता है ना तो मेरे पापा है ना पहले ना अच्छे से ना नींद लेते हैं ताकि है ना वो ड्राइव है ना अच्छे से कर सके क्योंकि कहीं भी जाना होता है ना तो हम उनको है ना बोलते कि पापा आप ही ड्राइव करो. ऐसा नहीं है कि हम किसी बंदे को नहीं लेके जा सकते ड्राइव करने के लिए कार, लेकिन गाइस अगर कोई हमारे साथ जाएगा ना हंसी मजाक करते ना वैसे कर नहीं पाएंगे है ना. फिर है ना हम अपना फैमिली टाइम स्पेंड नहीं कर पाते. वही तो फिर है ना हमको सोच के बोलना पड़ता है कि ये बोलूंगा तो उनको अच्छा लगेगा, ये बोलूंगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये सब सोच के है ना मतलब बोलना पड़ता है. इसलिए ना हम पांच जन ही जाते कहीं भी जाते ताकि ना बहुत ही मजा आए और हम लोग एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल है ना गाइस कोई भी कुछ भी बोल देता है. ये ना मम्मी मेरे लिए लेकर आई है पाइनएप्पल, तू मत खा प्लीज. आप वीडियो बनाओ ना, मैं शांति से बैठ के खाती हूँ. ना ना तू मेरा दे दिए. नहीं दे नहीं, चल, नहीं, चल देखो गिर जाएगा. खुद है ना काट के नहीं खाती गाइस, खुद काट के नहीं खाती क्योंकि ना पाइनएप्पल काटने में ना इसको बहुत ही ज्यादा आलस आता है. लगती है हाथ में. चल चल दे मेरा पाइनएप्पल. जा ले जा. वही तो मेरा पाइनएप्पल खाती है क्यों रे तेरे. कुछ बता रहा हूँ गाइस मुझे बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि मैं ना जैसलमेर जाने वाला हूँ. जैसलमेर गाइस बहुत ही मुझे मजा आता है वहाँ का है ना वो डेजर्ट घूमने में. सो गाइस मैं दीदी मम्मी पापा हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने कपड़ों का. हम लोग जा रहे हैं स्टूडियो. कैसा लग रहा है दीदी फाइनली हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने? मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. जब तक है ना कपड़ों की शॉपिंग नहीं होती ना तब तक मुझे मतलब ऐसा लगता ही नहीं है ना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं. मम्मी और दीदी जल्दी आओ बैठो. ले मैं तो बैठ जाऊंगी पर मम्मी को बोल, मम्मी अपना काम छोड़ेगी तब ना. मम्मी जल्दी बैठो. अब तू तो बैठ. बैठ रही हूँ. ओ भाई रुक जाओ खोलती हूँ. बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो. सबसे पहले है ना हमको स्टूडियो जाना है. अच्छा उधर है ना मैं और दीदी अपने कपड़े ले लेंगे. मम्मी क्या है हम लोग कपड़े लेंगे तो आप तो लोगी ना. देखेंगे. देखेंगी नहीं, वो आप लेने ही वाली हो वो मुझे पता है. पसंद आएगा तो लेंगे ना. देख लिया खुशबू? हाँ मुझे पता है कि मम्मी लेने वाली है और वो भी एक नहीं दो नहीं तीन चार पाँच छह जितना लेना हो उसको लेगी. सही बात है. हम लोग ले और मम्मी कपड़े ना ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता.
फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर। सो गाइस जैसलमेर तो है ना हम कब का है ना घूमकर आ चुके होते, लेकिन गाइस जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे ना जैसलमेर के लिए, मतलब ट्रिप अपना करने वाले थे ना, उसके अगले दिन ही है ना मतलब हमको है ना मैसेज आ गया था कि आप लोगों की है ना एग्जाम है, तो हमने ना ट्रिप जो है वो कैंसिल कर दिया था क्योंकि एग्जाम देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है घूमने से। लेकिन अब फाइनली एग्जाम्स जो है वो हो चुकी है और फाइनली 10 दिन के बाद हम लोग फिर से निकलने के लिए रेडी है जैसलमेर, मतलब जाने के लिए रेडी है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग है ना 4 बजे से जैसलमेर जाएंगे और अभी तक है ना पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं हुई है। चलो 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 फटाफट से पैकिंग करो तभी ना जाओगे। देखो भैया पहले आप सोए, अब हम तीनों सोएंगे, उसके बाद पापा सोएंगे, उसके बाद हम पैकिंग करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे जैसलमेर के लिए, मतलब हम कल सुबह निकलेंगे। मतलब तुम लोग मतलब जैसलमेर घूम लिए, ट्रिप जो है वो अब कैंसिल कर दो भाई। क्यों हम जाएंगे? ए भाई उठो अभी उठो। मम्मी ज्यादा बैग्स मत करना प्लीज आप, ठीक है? दो। हाँ बस दो में मतलब सबके कपड़े आ जाने चाहिए क्योंकि हम लोग है ना बारात करने नहीं जा रहे किसी की, 1 महीना रहने नहीं जा रहे, सिर्फ 4 दिन के लिए जा रहे, उसमें से तो 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, 2 दिन रहने का, उतना ही बजट है हमारे पास, ठीक है? क्या मेरे ना 20-30 कपड़े में लेके जाऊंगी ताकि मैं रील्स बना सकूं उधर। शांति से बैठ जा वहां पे जा। ए बंद कर गाइस, बंद कर। इस लड़की का हाल देखो, इस लड़की का हाल देखो, कोई बोलेगा इन्फ्लुएंसर है ये? ये देखो बाल देखो इस लड़की का। खुशबू ज्यादा कपड़े मत लेना प्लीज बहिनी। बहिनी बहिनी ए बहिनी ज्यादा कपड़ा मत लिया। मैं बोल तो रही हूँ मैं ज्यादा नहीं, मैं 10-12 कपड़े लूंगी, उतना रखने का स्पेस भी नहीं है बहन। क्या मेरा ये अटैची जा रहा है ना? अटैची प्योर बिहारी भाषा बोला दिया। सूटकेस बैग बोलते बहन, ट्रॉली बैग। मम्मी हो जाएगा ना 4 बजे तक पैकिंग? ये जो पायल है ना अभी है ना आलस करेगी, और लेकिन जब है ना खुशबू का पैकिंग जो हो जाएगा ना तब है ना ये इसको भी है ना मतलब तेजी हो जाएगा कि मुझे भी पैकिंग करना है पैकिंग करना है। ऐसा नहीं कि पहले से ही पैकिंग करे। मुझे आलस आ रहा है, मुझे जाना है लेकिन मुझे आलस आ रहा है पैकिंग करने में। गाइस इसको जाना नहीं है लेकिन है ना हम 4 जन जा रहे हैं ना इसलिए ये जा रही है, क्योंकि घर पे रह के ना ये क्या करेगी, इसको है ना मतलब घर पे रहकर पढ़ना है, इसको ना सिर्फ ऐसे ही दिमाग में रहता है कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, थोड़ा लाइफ का एंजॉय भी करना चाहिए। पढ़ाई तो सही है लेकिन पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ में ना थोड़ा सा घूमना भी चाहिए। खुशबू मैं पहले ही बोल देता हूँ तू सारे ना गर्म कपड़े ही लेकर जाना प्लीज, वो स्लीवलेस वो सब मत लेकर जाना, वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ेगी। मेरे में भी दिमाग है ठीक है? मुझे तो नहीं लगता है तेरे में दिमाग है, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे मैं बता दूँ। मेरा एक भी कपड़ा रिवील किया ना तो देख लेना। दिखा देता बे उसमें है भी नहीं, नहीं है इसमें कपड़े। ये आपके पायल दीदी को देखो, अपने कपड़े तो पहनती है लेकिन मेरे कपड़े पे भी है ना इसकी है ना नजर रहती है। देखो गाइस आपको ये अच्छा लग रहा है? मेरे कपड़े पहन के मेरी ही एक्टिंग करती है, वाह। भले मेरे डोले शोले ना हो तो क्या हुआ, अच्छा लग रहा है। गाइस मैंने इसको नहीं पहनने दिया ये ट्रिप पे, तो आप लोग मुझे बोलोगे कि आप पायल दीदी को एक टी शर्ट पहनने नहीं दे सकते अपना, इसलिए मैं महान बनने के लिए आज पायल दीदी को ये टी शर्ट पहनने के लिए दूंगा। मैंने है ना मेरे कपड़े डिसाइड कर लिए हैं, ज्वेलरी और मेकअप भी निकाल लिया है, मतलब मैंने ना सब कुछ अपना ले लिया है कि मुझे ये चीज है ना लेके जाना है, अब बस है ना मुझे मेरे बैग के अंदर पैक करना है और फिर मैं रेडी हूँ जैसलमेर जाने के लिए। पैकिंग कर रहा था भैया और खुद ने तो अपनी पैकिंग की नहीं, अब मुझे उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी। हम लोग निकल गए हैं जैसलमेर जाने के लिए। सो गाइस मैंने सोचा था ना कि शाम के है ना 4 बजे तक है ना हम लोग पैकिंग करके है ना निकल जाएंगे जैसलमेर के लिए, लेकिन 4 बजे तक तो हम लोग नहीं निकले हैं, हम लोग निकले हैं रात के 8 बजे। बोलो अरे भैया सब चलता है कोई बात नहीं, हम लोग निकल गए ना बस। अरे नहीं मुझे क्या था कि मतलब थोड़ा सा मतलब दिन में निकलते ना तो मस्त है ना, व्यू दिखाते दिखाते टाइम लैप्स लेते लेते मतलब मैं निकलता, अब रात को मैं क्या ही दिखाऊं। अरे कोई बात नहीं भैया। रात को गाइस देखना थोड़े देर के बाद मैं पायल और खुशबू है ना सोए हुए आपको मिलेंगे। बहुत नींद आता है ना खुशबू? हाँ हम अपना है ना व्यू दिखाएंगे। सोया हुआ मैं और खुशबू तो एक भी बुक नहीं लेकर आए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग एंजॉय करने के लिए आए, क्योंकि 2 दिन की हमको छुट्टी मिली है, लेकिन ये छुट्टी में भी हमारी और आप सबकी प्रिय पायल लेकर आई है बुक। एक ही लाई हूँ
पर एक भी लाई है, पर लाई है ना। हाँ लेके आई हूँ, लेकिन पढ़ूंगी तब ना। नहीं तेरे को पढ़ने का टाइम मिलेगा, रात भर पढ़ना, दिन भर घूमना। Hey guys, good morning. It's the next day. और guys, finally हम लोग ना मस्त सी नींद लेकर उठ चुके हैं। मैं तो guys बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। देखो मेरा चेहरा देखकर लगता है मैं सोया होऊंगा। रहने दे भैया, रहने दे। पीछे वाले सीट पे है ना भैया, पूरी रात सोया है guys। Guys, इस बार है ना मैं फटाफट से ना पीछे वाली सीट पे ना चला गया था, सबसे पीछे वाली, कि खुशबू उस पे बैठ कर ना सो जाए। अगर जो कोई नहीं सोया है हम लोगों में से तो वो है हमारे पापा। इन्होंने पूरी मेहनत की है गाड़ी चलाने में। हाँ पापा, अब कितने किलोमीटर रह गए जैसलमेर? 65 किलोमीटर और बाकी है। पता है क्या हुआ कल रात को, है ना, पापा मतलब थोड़े देर सोने के लिए रुके थे, तो अराउंड 30 मिनट्स तक सोए होंगे, बस 30 मिनट, 45 मिनट। उसके बाद मम्मी क्या कह रही है, उठो उठो, 2-3 घंटे सो लिए, अब चलो जल्दी। नहीं गाइस, हम लोग को जल्दी इसलिए थी ना क्योंकि गाइस 11 बजे से ना होटल में ना चेकिंग करना होता है, और फिर अगर हम 11 बजे से होटल में चेकिंग नहीं करेंगे तो क्या मजा है। शाम को करेंगे, फिर भी हमको फुल पेमेंट ही देना होगा, है ना पापा? इसलिए तो इसलिए पापा को है ना मम्मी ने जगाए रखा है, और मम्मी है ना पापा के साथ भी जगी। ऐसा नहीं कि मम्मी सो गई है, मम्मी भी जगी है, लेकिन मम्मी थोड़ा सा मतलब सोई है, लेकिन पापा तो बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। और फाइनली हम लोग है ना पहुंचने वाले ही है, मतलब 65 किलोमीटर ही रह गया है, और उसके बाद अभी आज तो मुझे नहीं लगता है हम लोग जाएंगे सैम्प सैंड ड्यून्स पे, लेकिन कल तो पक्का सुबह जाएंगे ना। सो गाइस, यहाँ पे बहुत ढूंढने के बाद फाइनली हमको एक होटल जो है वो मिल चुका है, हमारे सामने ही है। वहाँ पे है ना वॉशरूम ब्रेक करने के लिए मम्मी पप्पा और खुशबू जो है वो गए हुए हैं। तब तक हम आपको एक चीज बताते हैं, यहाँ पे इतना ठंडी है गाइस, क्या ही बताऊं। कार के अंदर मतलब सब कुछ पैक था ना, तो भी ठंडी लग रहा था। और ये लोग क्रॉप टॉप लेके आई है, क्रॉप टॉप पर फुल स्लीव्स तो है थोड़ा थोड़ा। ए बहन, यहाँ का तो छुप जाएगा, यहाँ का कहाँ छुपेगा पेट का। और ऊपर से वो मोटा वाला जैकेट होता है ना, वो भी नहीं लेकर आया। क्या बोलते कि वहाँ पे गर्मी होती है राजस्थान में, हमें क्या पता था, हम थोड़ी कहीं राजस्थान आते जाते रहते हैं। हमने यही वाला स्वेटर लिया है, अब लगता है ना वहाँ की ठंडी सर्वाइव करने के लिए हम सबको है ना स्वेटर खरीदना पड़ेगा, वो मोटा वाला। हाँ, आओ तो खर्चा, और यहाँ पे भी खर्चा, खर्चा ही खर्चा। तो बोलना चाहिए ना पापा को, है ना, मतलब थोड़ा सा उनका पैसा रहने दो, तुम लोग ज्यादा खर्चा मत करवाओ। खुशबू क्या जाना, 5 चाय का ऑर्डर दे देना प्लीज। मैं अभी कहीं नहीं जा रही। अरे प्लीज खुशबू, नहीं बहुत ठंडी है बाहर, और घूमना था ना, घूम ठंडी ठंडी। गाइस बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है कार का, सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा ठंडी है। पापा बोलिए, एकदम मस्त वाला होटल ना आप बुक करना प्लीज। आपकी बार है ना, पहले पसंद करेंगे, होटल पसंद आएगा तो वही बुक करेंगे। हाँ, क्योंकि गाइस अगली बार हम लोग गए थे ना तो पापा ने खुद पसंद किया था अकेले, लेकिन इस बार मैं भी जाऊंगा पापा के साथ। पापा है ना पैसे बचाते हैं, लेकिन हमको इस बार पैसे नहीं बचाना, हमको इस बार अच्छे होटल में रुकना है, ठीक है। गाइस आजू बाजू है ना मतलब एकदम खाली 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 खाली, देखो सिर्फ है ना झाड़ियां ही दिख रही है, और खेत ही खेत दिख रहे हैं इस वाले रोड पे, होटल तो दिख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं होटल कहाँ पे है। हमारा तो है ना ये होटल्स के साथ है ना बहुत ही पुराना वाला रिश्ता है, मतलब हम कोई भी रोड से चले जाए हमें होटल्स तो मिलती है नहीं, सिर्फ और सिर्फ है ना झाड़ियां ही झाड़ियां, पेड़ ही पेड़ मिलते हैं, और जब मिलता है तो भूख नहीं लगता है ना। हाँ, और जब नहीं रहता है तब तो इतनी जोर से भूख लगती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम तब। पता नहीं गाइस ये लड़की को क्या है, दिन रात सिर्फ सोती रहती है। बचपन में नहीं सोती थी ना पायल? हाँ नहीं सोती थी। ये जितनी बड़ी होती जा रही है ना उतनी आलसी होती जा रही है, रात भर सोई है फिर भी अभी भी सो रही है। वही तो, रहने दे बहन रहने दे, रात भर मुझे सोने नहीं दिया, पहले तो खुद इधर ऐसा सीधी होके सो गई थी। भैया क्या है, इतनी ठंडी देख के मुझे नहीं लगता कि तू नहाने वाला है। अरे मैं नहाऊंगा, मुझे पता है जितने कपड़े तू लेके आया है ना सिर्फ बदलने वाला है। नहीं गाइस मैं नहाऊंगा, लेकिन अगर गर्म पानी की व्यवस्था होगी जिस मतलब टेंट में हम लोग रुकेंगे तो मैं नहाऊंगा, वरना 2 दिन के लिए तो मैं पक्का नहीं नहाने वाला, क्योंकि हमको इतना ठंडा ठंडा लग रहा है तो पानी कितना ठंडा होगा। सही बात है, और मैं भी वही करने वाली हूँ, भले मुझे मेरे बारे में जिसको जो सोचना है ना सोच ले। सो गाइस आपको क्या लगता है कि मैं नहाऊंगी?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। गर्म पानी भी आएगा ना तो भी मैं नहीं नहाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बिना नहाए बहुत ही सुंदर दिखती हूँ। अरे कितने मस्त मस्त कंबल बिक रहे हैं यहाँ पे, देख मेरे को क्या दिखा रही है। दिखा दिया। और कुछ बोलना चाहते हो आप? ना और कुछ नहीं बोलना। फाइनली हम लोग जो है जैसलमेर आ चुके हैं, और यहाँ से है ना 42 किलोमीटर यानी 42 किलोमीटर आगे है ना सैम सैंड ड्यून्स है। कितना मुश्किल से बोल रही है बहन, सैम सैंड ड्यून्स, अच्छे से बोल। सैम सैंड ड्यून्स जो है 42 किलोमीटर है, वहाँ पे जाने के लिए हमें हाफ एन आवर से ज्यादा लगेगा। सो पता नहीं हम कब पहुँचेंगे यार, मुझे तो बस है ना अब कुछ खाने का मन कर रहा है बस। सोने के वक्त पीछे चला जाता है, दिन में ना बैठने के लिए आगे चला जाता है। मुझे आने दे आगे। नहीं ये मेरी जगह है। नहीं मुझे आने दे, जगह है, मैं बैठूंगा या फिर मेरी माँ बैठेगी यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर सोने के लिए पीछे मत आना। तू क्या मुझे रोकेगी? बटन बटन लगा के मैं आगे बैठ गई हूँ। गाइस मुझे है ना धमकी दी गई है कि अगर तू मुझे आगे नहीं बैठने देगा तो मैं तेरे को फोन से ना वीडियो बनाने नहीं दूंगी, इसलिए मैंने इसको आगे बैठने दिया है। वरना मैं इसको आगे बैठने दूं ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ तो मेरा भी हक है आगे बैठने का। मैं भी यहीं आएंगे बैठने का। आगे बैठे तो आगे देखना, पीछे क्या देख रही है। होटल चलेगा हमको? हाँ पापा कोई भी होटल चलेगा हमें। यहाँ पे मेरी माँ को भूख लगी हुई है, खाना नहीं खाया है, फ्रेश नहीं हुआ है, रो रही है। सो गाइस अभी तक हम लोग है ना मतलब पहुँचे नहीं है मतलब अपने होटल पे, लेकिन अभी से ये मैडम बोल रही है प्लीज मेरे फोटोज क्लिक कर देना, मेरे फोटोज क्लिक कर देना। अभी है ना मिल तो जाने दे होटल। तो पिछली बार हम लोग आए थे ना तब के मेरे पास एक भी पिक अच्छा नहीं है। हाँ तो पिछली बार आए थे तब नहीं थे, तो इस बार मैं है ना तेरा क्लिक कर दूंगा। मैंने मम्मी और पापा का इतना अच्छा अच्छा पिक खींचा हुआ है ना, और मम्मी और पापा ने मेरा एक भी नहीं क्लिक किया। और क्लिक भी किया था ना अगली बार मम्मी ने हमारा फोटो तो एकदम है ना वो ब्लैक ब्लैक नहीं आता है वैसा क्लिक कर दिया था। हम लोग को टेंट जो है वो मिल चुका है, और ये रहा हमारा प्यारा सा टेंट। पाल तेरे को कैसा लगा? मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, पर जैसा पहले बार आए थे वैसा तो नहीं है। उसके जितना तो अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है, चलेगा, सस्ता है इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे भी कौन सा हमें इधर ही रहना है, हम तो घूमने आए हैं, हम तो घूमेंगे। तो हम लोग 4 बजे यहाँ पे आए हैं और कल सुबह 10 बजे जाना है, मतलब एक दिन के लिए क्या खर्चा करने का है ना। सही में? हाँ कल चले जाएंगे हम लोग 10 बजे निकल जाएंगे। किधर? घर पे। ये तो क्यों आए हो तो? बे अब तू कितना एंजॉय करेगी, हमारी एग्जाम्स भी है। सो गाइस मैं फटाफट से आपको हमारा टेंट का टूर दे देती हूँ, और इधर मेरी बहन है ना गुस्सा हो गई कि मैं दूंगी रूम टूर, और मैं कह रही हूँ कि मैं दूंगी, चल साथ में देते हैं चल। हाँ तो देख, हाँ ले ले कैमरा ले ले। हाँ थैंक यू मुझे मेरा फोटोज दिखाने के लिए। सो सबसे पहले इधर है हमारे बैठने के लिए टेबल और कुर्सी, जिस पे हम चाय नाश्ता खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। इधर ला, लेकिन पायल जैसे लोग इधर पढ़ेंगे है ना पायल? इधर? हाँ नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी। हाँ तू पढ़ेगी। जल्दी से चाय मंगाओ ना यार। अरे रुक जा पहले रूम टूर तो देने दे। अरे पन चाय मंगाओ ना, कितना मस्त चेयर है यहाँ पे बैठ कर है ना हम लोग मतलब मस्त सा बात कर करके चाय पीते हैं। हाँ देखो और ये टेबल और चेयर के साइड में ही ना हमें इतना मस्त सा है ना ये क्या कहते भैया रखने के लिए दिया हुआ है। हाँ जिसके ऊपर हम बहुत सारा सामान रख दिए हैं। इसका यूज भरपूर हमने किया है। और उसी के बाजू में है हमारा सबका फेवरेट जगह जो कि है बाथरूम। तेरा ही है, मेरा तो बिल्कुल फेवरेट नहीं है, तेरा ही फेवरेट है, ये सारी चीजें तेरी फेवरेट होती है। इधर हमें ना एक बड़ी सी अलमीरा दिया हुआ है और जिसका यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ क्योंकि हमारे है ना कपड़ा हमारे बैग में सही सलामत रहेगा। और यहाँ पे दिया है गाइस मस्त एक ड्रेसिंग टेबल, लेकिन ये कांच जो है वो टूट गया है। भैया इसमें मैं चढ़ू टूटेगा नहीं ना। कैसा बात कर रही है, दिमाग जो है वो अहमदाबाद छोड़ के आई है क्या?
अपने साथ लाई और ये दरवाजे के पीछे ही सही जगह है, आप देख सकते हो। खुशबू का फेवरेट प्लेस है गाइस, वॉशरूम। नहीं, मेरा फेवरेट जगह नहीं, ऐसा मत बोलो। ए चल, नहाने के लिए मस्त वो गीजर भी दिया है, अब तो नहाना प्लीज। अब तो नहाएंगे, चलो जल्दी। ओ भाई जल्दी, देखो बेड का क्या हाल कर दिया है तुम लोगों ने, क्या हाल कर दिया बे। हमने इसके ऊपर इतना कूदा है ना कि इसकी हालत ऐसी हो गई है। मस्त है ना, बड़ा सा बेड है, 3 जन तो आराम से इस पे है ना सो सकते हैं। और भैया क्या है, इधर एक छोटा सा विंडो भी है। अब खोल मत खुशबू, खोल मत। ए यार, इसको जो ना कहो ना वही चीज है ना, ये है ना बार बार करती रहती है। भैया क्या है, मम्मी पूछ रही है कि आज हमें कोई प्लेस पे घूमने जाना है। नहीं आज नहीं जाना है, कल जाएंगे डेजर्ट सफारी में, और जाएंगे कैमल राइडिंग करने, और सनराइज देखने जाएंगे। अपने पास दो ऑप्शन है, हाँ। या तो सनसेट देख सकते हैं या फिर सनराइज देख सकते हैं। तो अपने अभी थके हुए तो क्या सनसेट देखने जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि सनराइज देखने जाएंगे। ठीक है भैया, क्या है, तो आज मार्केट घूमने चले। इधर कहीं मार्केट नहीं है बहन, तू वहाँ से आई तो देखी मार्केट एक भी। तो ये अंकल जो इधर के हैं उनसे पूछो ना, वो क्या कपड़े नहीं पहनते होंगे। नहीं तू जैसा सोच रही है ना वैसा नहीं मिलने वाला बहन, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तू जो वो घाघरा बोल रही है ना, वो घाघरा यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हम अभी अपने कपड़े चेंज नहीं कर रहे, हम इस पे ही है ना सो जाते हैं, और कल सुबह सीधे नहाएंगे। तू पहले है ना, मेरा फोन जो है ना वो चार्ज में लगा, क्योंकि तू है ना कब से ना फोन चला रही है, और मेरे फोन में अगर चार्ज नहीं हुआ और मेरी वीडियो नहीं बनी तो देख लेना। 2 मिनट, ये कब से आपका फोन हो गया? मेरे दिया है तुझे, तो मेरा भी हक होता है, मैंने तेरे को बर्थडे पे दिया है, याद है ना। जस्ट शट अप, ओके। चल जाके लगा दे, और चलो अब हम ना 1 घंटे सो लेते हैं, ताकि ना थोड़ा सा फ्रेश लगे हमको। फाइनली 1 घंटा जो है वो आराम हमने है ना कर लिया है, अब हमको है ना फ्रेश जो है वो फील हो रहा है। अब हम है ना रेडी हो रहे हैं, क्योंकि हमने ना सुबह से है ना कुछ भी नहीं खाया हुआ है, और अब हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारे पेट में बहुत ही मतलब गुड़ 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 हो रहा है कि प्लीज मुझे खाना दो। पानी डोल रहा है अंदर ऐसे ऐसे। वे सच्ची आज हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, हमारा तो उपवास ही हो गया। कोई बात नहीं, आज पूरे दिन उपवास ही कर लेते, रात को भी नहीं खाएंगे और क्या। वे तेरे को आलस ही करना था ना, हाँ? तो अहमदाबाद ही रहती, इधर क्यों आई? इज्जत से खड़ी रहे। इधर जवाब दे, अगर हाँ। तुझे आलस ही करना था, बेड पे ही रहना था, तो अहमदाबाद ही क्यों नहीं रही तू? तुम लोग को कहीं जाना तो है नहीं, तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं नहाई भी नहीं हूँ। जा नहाने जा। ना कहीं जाना तो है नहीं, खाना खाने के लिए क्या नहाऊं? खाना खाने के लिए तैयार नहीं होते? चल तैयार हो, ऐसे रहेगी ना तो मैं तो लेके जाने वाला नहीं हूँ तुझे। चल हाँ ठीक है, सिर्फ 1 घंटा दे दो और। 1 घंटा सोई, अभी 1 घंटा और, वाह। चल उठ, तैयार हो, चल फटाफट। सुनो क्या है, एक जरूरी नोटिस है। क्या है? ये साबुन जो है वो कोई यूज नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे छोटे से। दे वो साबुन दे। बे साबुन है तो यूज तो करेंगे ना यार, ऐसे मिनी मिनी साबुन मिलते हैं बे। नहीं मिलते, तुम लोग नहीं लागे देते। जाओ और 2-3 मांग लाओ। कितना प्यारा लग रहा है यार। तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे ऐसा साबुन कभी देखा ही नहीं है। अरे यार फटाफट से तैयार हो ना यार, पापा बोल रहे हैं। पापा तो बोलेंगे ना, पापा का बोलने का आदत है। फटाफट से अब इसमें से कपड़े निकाल, मेरे तेरे और पायल दीदी के। दीदी के कपड़े इसमें नहीं है, दीदी के कपड़े मम्मी वाले बैग में। तो मेरे तो निकाल, तुझे जो पसंद आए ना वो मुझे दे दे, मैं पहन लेता हूँ। अरे देख भैया, तू ये ले ले पैंट, ये जींस पहन लो। हाँ। ला ये जींस, और आज शर्ट पहन ले, और कल हम सबको है ना ऐसे वाले कपड़े पहनने वाले, तो तू भी कल ये पहन लेना। ठीक है, तो अभी ये वाला शर्ट पहनू ना? हाँ। और जा बहन तू भी तैयार हो यार, पापा बहुत ही डांट रहे हैं मुझे। वाह, तुम दोनों कपड़े एक में लेके आए और मेरे को मम्मी पापा के अंदर डाल दिए। जा। क्योंकि तू है ना जब भी पैकिंग होता है ना तब तुम बहुत ही नाटक करती है, इसलिए तो मैंने और भैया ने सोचा कि हम लोग एक में ले लेते हैं और तुम पापा और मम्मी एक में ले। खुशबू, हाँ? एक दिन घूमने के लिए आए हो तो प्लीज आज के लिए तो एकदम बहनों वाला एक्टिंग कर लो प्लीज। ना चाहते हुए भी ये लड़की जो है वो तैयार हो गई है ना पायल। हाँ, और मैंने पहना हुआ है ये पैंट, ये वाला पैंट और ये वाला टॉप। अच्छी लग रही है, बहुत ही हैंडसम लग रही है। हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल। और यहाँ पे हमारी प्यारी खुशबू। बे तेरा मेकअप तो है ना कभी खत्म ही नहीं होता। मेरा मेकअप हो गया है, जितना दीदी ने लगाया ना उतना मैंने भी लगाया है, सिर्फ मैं ना एक्सेसरीज पहन रही हूँ। एक्सेसरीज पहन ले, लेकिन उसको देख, 5 मिनट में वो रेडी होगी, और तुझे देख अभी तक रेडी हो रही है।
अभी मैं सब पैक कर दूंगी ना, अपने एक्सेसरीज तो है ना आएगी। खुशबू मुझे कान में को देना। रेडी होकर ना खाना खाने के लिए जो है वो जा रहे हैं। यहाँ से ही मतलब एक दो किलोमीटर पे ही है ना रेस्टोरेंट है, वहाँ पे है ना हम आराम से मतलब खाएंगे और फैमिली टाइम जो है वो एंजॉय करेंगे। और गाइस दोपहर में है ना यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन सुबह के 9 बजे तक है ना ठंडी ठंडी ही लगती है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि गर्मी के कपड़े यहाँ पे लाने चाहिए कि ठंडी के कपड़े यहाँ पे लाने चाहिए। भैया बोल, नहीं समझ पाओगे, कभी गर्मी लगती है कभी ठंडी लगती है। अभी है ना ये फुल स्लीव्स पहना है ना तो गर्मी लग रही है, और वही रात को है ना ठंडी लगेगी और भी ये पहनना पड़ेगा। मुझे देखो मैं क्या पहन के आई हूँ, और मेरा ये वाला है बहुत सुंदर है। सच बताना गर्मी लग रही है ना तुम दोनों को? हाँ, इसलिए तो ये निकाल दिया था। अब मैं निकाल भी नहीं सकती हूँ। चलो चलो कोई बात नहीं, शाम को आएंगे तब ठंडी लगेगी। हाँ, और शाम को तो बहुत ही मस्त है, कल्चरल डांस होने वाला है। पहले भी हमने देखा ही है लेकिन देखते हैं ये वाले मतलब होटल का डांस कैसा है। फिर है ना उसके ग्रेवी के साथ खाना पड़ता है रोटी को। चलाना है? हाँ। पापा प्लीज प्लीज, पापा को बोल, पापा प्लीज ले चलता हूँ भाई। कैमरा चालू होती पापा का हाँ होता है, यानी मतलब कुछ भी हमको बात मनवानी हो ना पापा से, यानी कैमरा स्टार्ट करके पापा प्लीज करने का पापा हाँ ही बोल देंगे। देखो पापा क्या बोल रहा है भैया। फाइनली हमको ये वाली बाइक जो है वो दिख गई है, लेकिन बाइक जिसकी है वो ही नहीं दिख रहा है। तो तू कौन सा वाला चलाएगी खुशबू? मैं कोई नहीं चलाऊंगी, मेरे से चल जाएगा तो। चल जाएगा एकदम इजी है, मम्मी आप भी चलाना प्लीज। पता नहीं आएगा कि नहीं। अरे आएगा मम्मी, हर एक चीज है ना एक्सपीरियंस करने का। गिरूंगी तो हंसना मत। ठीक है पर चलाओगी ना? ट्राई मारूंगी। आप सोच क्यों रही हो कि आप गिरोगे? नेगेटिव नहीं सोचने का, पॉजिटिव सोचने का। उसने क्या बनाया है? पायल, दिल के अंदर पायल करती है। ए पायल हाँ। चला लेगी ना तू? मैं तो चला लूंगी। बैठ जल्दी बैठ भैया। दीदी मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है, पता नहीं कैसे ही करेंगे हम लोग। भैया को मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो हम कैसे करेंगे? जल्दी वीडियो उतर भैया। यहाँ मैं चला रहा हूँ, कहीं और जा रहा है कहीं और। भैया मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। चल चल चल, थोड़ा फास्ट चला ना। अरे इस साइड, मुझे डर लग रहा है। चला चला चला। चला चला। ए इस साइड इस साइड। कहाँ जा रही है? मुड़ा इस साइड इस साइड। इस लड़की को थोड़ा भी है ना ये चलाने नहीं आता है, पता नहीं कब से ना इधर उधर कर रही है। खुशबू खुशबू यू टर्न ले, बस वहीं से घुमा घुमा घुमा। यस 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 घुमा। ये नहीं गिरेगी, घुमा। यस यस भगा भगा दे। बहुत डर लग रहा है भैया। भगा भगा सीधा कर सीधा। चला भगा भगा भगा, नहीं गिरेगी भगा 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 भगा। अब पायल की बारी, चल उतर। बहुत चुप, अब था
ये राइड भाई, मजा आ गया मुझे। इधर तो मैं नहीं बैठूंगी, मैं उधर से बैठूंगी। हाँ तो लेके जा, उधर से लेके आना। जा, लेके जा। एक नंबर की डरपोक है, चल निकल। कभी कहती है उधर रख, कभी कहती है उधर रख, कभी कहती है उधर जाके पहुंचा के लग। चल चल बैठ बैठ फटाफट। एक तो इन लोग का वीडियो फोटोज के चक्कर में ना मुझे भी भागना पड़ता है उतना। चल चल, अभी बहुत बहुत बोल रही थी ना कि चला लूंगी। चला चला चला, अरे उधर से एस्केलेटर तो दे। ये सच्ची पापा की परी ही है। चला चला, वाह वाह फास्ट चला चला, नहीं गिरेगी यार। चला चला, ये भगा भगा पायल भगा, तेरे से उम्मीद है अच्छे से चलाएगी। पर सीधा चला ना, सीधा चला तुम ना, सीधा चलेगी पर ये सीधा रख। पहले उड़ाने तो दे, ये क्यों उड़ नहीं रही। एक तो इसकी आवाज इतनी इरिटेटिंग है ना। कहाँ जाता है? सीधा सीधा चला, कहीं भी जाई वो तो लाइन में ना जाई। चल चल फास्ट चला चला, वो कहीं और जा रही है गाड़ी, तू कहीं और है। भगा भगा तभी ना मजा आएगा। अरे यार ऐसे सीधा रह के भगा भगा, प्रॉपर चलेगी अपनी गाड़ी। ये हमको बोल रही थी, हमको बोल रही थी कि तुम लोग को चलाने नहीं आता है और खुद को देखो कैसे चला रही है। टेढ़ा मेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा, वहां पे चली जा भगा 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 भगा। यस वाओ भगा भगा। थिंक तक तो ये ठीक था बाइक, बट अभी है ना मम्मी चलाएगी तब आप तो फुल एंटरटेन होंगे। पता नहीं चलाएगी कि नहीं चलाएगी, क्योंकि हमसे ही नहीं चल पा रही तो मम्मी से क्या ही चलेगी है। प्यास लग गई ना? हाँ। भाई एंजॉयमेंट तो एक जगह है, लेकिन फोटोज वीडियोस भाग भाग के उतारना एक जगह है ना खुशबू। हाँ, अभी तो मम्मी आएगी उसके वक्त भी भागना पड़ेगा हमें। मेरे तो एक भी फोटोज वीडियोस अच्छे नहीं आए होंगे गाइस, क्योंकि मैं हूँ अच्छा वाला कैमरामैन, मैं सबकी अच्छी है ना फोटोज वीडियोस ले लेता हूँ, लेकिन ये लोग मेरा है ना कभी भी नहीं लेते, मुझे दुख होता है बार बार। ऐसा मत बोल भैया, हमने भी अच्छा मेहनत करके तेरी वीडियोस ली है। वो तो मैं जब देखूंगा ना तभी मुझे पता चलेगा, मुझे पता है तुम लोग ना प्रो कैमरामैन हो। चलो चलो गई। पहली बार एक्टिवा चलाई। एक्टिवा नहीं है वो बाइक है। मैंने बोला था ना कि मम्मी जब चलाएगी ना तो बहुत ही फुल ऑन एंटरटेनमेंट 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 होगा। हाँ मुझे तो भाई बहुत ही ज्यादा मजा आया। चलिए चलिए जो स्कॉर्पियो चला लिया ये बाइक क्या है? हाँ ये तो चला ही लेंगे। ये बहुत जोर से प्यास लगी है। तो चल क्यों रहा है, शादी से खड़ा रहे ना। एक तो गर्मी इतनी है ना इधर। पापा आएंगे ना तो उनकी वीडियो उतारना, फिर आधे से है ना मम्मी लेगी। ठीक है? हाँ ठीक है, मेरे को यहाँ पे कैमरा मैन ही बनाने आया, एंजॉय तो करने दे नहीं रहे मुझे। मम्मी फिर से चलाएगी, अब मम्मी में कॉन्फिडेंस आ चुका है। धीरे धीरे ले जाओ है ना पापा। चलो 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 चलो।
देखो ये ब्रेक है और ये एस्केलेटर है, एस्केलेटर दबाना है ना पापा। यस गुड गुड, चलो चलो चलो। अरे ब्रेक तो छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, चलो 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 चलो, झाड़िया में मत लगा देना। अरे इधर इधर सीधा मम्मी, इधर इधर। यस आहा मम्मी, मैं बहुत ही प्राउड हूँ, बहुत ही प्राउड हूँ मम्मी, मैं आप पे बहुत ही प्राउड। जिस इंसान ने आज तक साइकिल नहीं चलाया उसने ये चला दिया, बोलो, वो भी यहाँ पे डेजर्ट में। इस पे राइड तो कर लिया है, अब है ना खुशबू है ना मस्त है ना, मस्त मस्त है ना, फोटो खींच रही है पायल का। सो गाइस फाइनली आज का जो कार्यक्रम है हमारा जो है वो हो चुका है, और आज तो हमको इतना मजा आया, इतना मजा आया ना, इतना मजा तो है ना, हम ना पिछली बार आए थे ना तब भी नहीं आया था। लेकिन गाइस मेरा जो है ना थोड़ा सा तबीयत जो है वो खराब हो चुका है मेरा, पता नहीं क्यों ना बहुत जोर से ना सर दर्द जो है वो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने ना दवाइयां यहाँ के ना स्टोर से ना ले लिए, अब मैं वो खा लूंगा और अपने होटल में जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगा, क्योंकि गाइस थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद मतलब यहाँ पे डांस होने वाला है रात को, वो देखने जाएंगे और उसके बाद डिनर करेंगे और फिर कल सुबह जाएंगे हम लोग डेजर्ट सफारी करने। उसमें तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि डेजर्ट सफारी है ना, पिछली बार भी हमने जब किया था ना तो बहुत ही मजा आया था। कम नहीं ओ यारो, ये हमारा जैसलमेर भी तो गुरु के लंदन से कम नहीं। थैंक यू, शुक्रिया। सो गाइस आज का सब कुछ है ना वो पूरा हो चुका है और बहुत ही मजा आया आज के दिन में। और खुशबू तेरे को कैसा लगा आज का दिन? मुझे तो बहुत ही मजा आया और मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, बट अभी मुझे बहुत ही ठंडी लग रहा है और फटाफट से गाइस है ना हम लोग है ना सो जाते हैं। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और अभी मेरा चेहरा कैसा लग रहा है मुझे अपना चेहरा देख के ही हंसी आ रहा है। बाय बाय।